हाय दोस्तों, मैं देवर आप सभी का माइनक्राफ्ट की एक न्यू वीडियो में स्वागत है। तो वीडियो देखिए, लाइक करो, कमेंट करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। और चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करके जाना ऐसी वीडियो डेली पाने के लिए। तो आज से मैंने घर में बहुत बड़ा अपडेट किया है, तो पूरा देखना, वीडियो में एंड तक बने रहना और मैं आपको बताऊँगा थोड़ा सा सरप्राइज आपके लिए। तो आज अपन कह रहे हैं क्रैक पैक 3, तो जल्दी से वीडियो स्टार्ट कर लेते हैं। तो फाइनली स्टार्ट करते हैं। तो मैंने एक ये आलीशान बहुत शानदार बड़ा सा एक घर बनाया है, तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। ये अभी तो आप मजाक उड़ा रहे हो कि ये क्या आलीशान महल तो इतना बड़ा बड़ा फेंक रहा है, तो मैं भी आपको दिखाऊंगा भाई, दिखाऊंगा, वेट करो वेट करो। तो फिलहाल ये मैंने पूरा बेस तैयार किया है, तो मैं आपको दिखाऊंगा महल क्यों लग रहा है मेरे को। तो यहाँ पे दो तीन चेस्टें लगा रखी है, पीछे की साइड पर चेस्टें लगा रखी हैं और इधर भी चेस्ट है। तो अंदर की साइड एक ट्विस्ट है, तो मैं दिखाऊँगा ये डोर है मेन। तो फिलहाल तो ये नॉर्मल लग रहा होगा, बट ये बहुत ज़्यादा फैंसी है। तो देखो, इधर मैंने क्राफ्टिंग टेबल लगा रखी है और नीचे की साइड आपको बहुत खतरनाक चीज़ दिखाने वाला हूँ। तो ये बता देते हूँ ब्लैक कंक्रीट कैसे बनती है। ब्लैक कंक्रीट के लिए आपको ये चाहिए होती है डाई, ब्लैक डाई और सैंड और ग्रेवल से आप ब्लैक कंक्रीट बना सकते हो। फिर ब्लैक कंक्रीट को आप चीजल में डिज़ाइन कर सकते हो अलग अलग ब्लॉक में। तो ये ब्लैक कंक्रीट है और नीचे की साइड ये देखो, इसको और बड़ा करूँगा, बट अभी छोटा ही बेस बनाया है नीचे की साइड, क्योंकि लोगों को लगे कि बहुत कचरा सा घर है, कोई लूट ना करे मेरे घर में, तो इसलिए मैंने नीचे की साइड अच्छा बनाया है। तो मैंने बोला था ना कि आलीशान घर मिलेगा और एकदम महल लगेगा आपको, तो नीचे से मैं महल बनाऊँगा, ऊपर से टट्टी बनाऊँगा, मतलब कचरा, एकदम कचरा कि लोगों को ऐसा लगे क्या कचरा कर रहा है, क्या लूटेंगे इसमें, क्या मिलेगा। बट नीचे की साइड बहुत सारी लूट मिलेगी आपको, तो इसमें मैं बहुत सारे ट्रैप बनाने वाला हूँ कि मेरे घर में कोई भी ना आ पाए। आएगा तो वैसे कोई नहीं, बस ओनली डिज़ाइन के लिए, थोड़ा डिफरेंट करने के लिए। तो फिलहाल ये दिखा देता हूँ, इसके नीचे मैंने एक चेस्ट लगा रखी है, तो वो इनसे ऑटोमेटिक इन क्राफ्टिंग टेबल से कनेक्ट हो गई है। तो फिलहाल ये मेरी ऑटोमेटिक क्राफ्टिंग टेबल की तरह काम करेगा, इसमें मैं कोई भी आइटम रखूँगा, कोई भी चीज़ क्राफ्ट करूँगा, ये मेरे को क्राफ्ट करके दे देगा, मतलब मेरे को मैनुअली रखना नहीं पड़ेगा। ओनली इसमें चेस्ट है, अगर आप इन क्राफ्टिंग टेबल के कनेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिक ये सामान ले लेगा। तो फिलहाल तो ऐसे ही काम कर रहा है, तो ज़्यादा तो कुछ नहीं है, बट नेक्स्ट वीडियो में अपन थोड़ा बहुत क्राफ्टिंग का भी ऑटोमेटिक करने वाले हैं कि थोड़ी क्राफ्टिंग ईजी हो जाए। तो फिलहाल आज अपन एक पोर्टल में जाने वाले हैं। मैंने आपको बेस दिखा दिया, बेस बहुत खतरनाक बनाया है मैंने, बहुत मेहनत लगी है, तो प्लीज़ एक हिट लाइक करना। इसमें मैंने वुड का सामान रख रखा है, इसमें मैंने क्या बोलते हैं स्टोन का है, इन चेस्टों में रख रखा है। तो फिलहाल इनको नेक्स्ट वीडियो में अपन सही करने वाले हैं। और अब जल्दी से अपन एक सोर्ड बना लेते हैं डायमंड की। तो ये मेटल मुझे मिले थे, मैंने माइनिंग बहुत ज़्यादा माइनिंग की है, जब जाके मुझे मेटल मिले। तो फिलहाल इनमें कुछ ज़्यादा डायमंड तो नहीं मिले, बट एक पिकेक्स और एक सॉर्ड तो बना ही लूँ यार, क्योंकि सर्वाइव करने के लिए अपन को डायमंड की सॉर्ड और पिकेक्स तो चाहिए ही होगी। तो जल्दी से बना लेते हैं। तो चलो मैं जल्दी से आपको पोर्टल बनाना बता देता हूँ कैसे बनाना है। तो सबसे पहले मुझे ये मतलब क्या बोलते हैं ये पोर्टल फार्म बनाने पड़ेंगे, फार्म के ब्लॉक तो ये बनाने पड़ेंगे। इनको बनाना एकदम ईजी है, इसके लिए ये बनाना पड़ता है, इसके लिए स्टिक मतलब ये फ्लिंटिंग स्टिक, एक पिकेक्स और ये क्या बोलते हैं स्टोन ब्रिक चाहिए होंगी। तो ये सारी चीज़ें बना सकता हूँ शायद, क्योंकि मेरे पास सारी चीज़ें पड़ी हैं, फ्लिंट भी पड़ा है मेरे पास, क्योंकि यार मेरे यहाँ पे बीच के पास में बहुत सारा मतलब ग्रेवल था, तो मैंने थोड़ी बहुत फ्लिंट निकाली है ऐसे। फ्लिंटिंग स्टीन बनाने के लिए आयरन चाहिए होगा, तो आयरन तो अंदर पड़ा है, तो एक फ्लिंटिंग स्टील बना लेते हैं। और इसको ऐसे रखना था और इसको भी ऐसे था ना, फ्लिंटिंग स्टील, हाँ ऐसे दो बना लेते हैं क्योंकि दो चाहिए होंगे मुझे ये। तो फिलहाल दो बना तो एक और बना लेता हूँ ये, तो ये दो बन के तैयार है। और अब ये फार्म पोर्टल बना देते हैं, पोर्टल फार्म। तो इनको बनाने के लिए किस पिकक्स ही होगी स्टोन की, तो स्टोन की पिकक्स भी बना लेते हैं। स्टोन मैंने इसके अंदर रखे थे क्योंकि मैंने सेपरेट कर रखे हैं सारी चीज़ें, स्टोन की अलग मतलब वुड की अलग और बेफालतू आइटम सारा अलग अलग मतलब डिवाइड कर दिया इस वीडियो में, मतलब इस सीरीज के अंदर। और देखते हैं, अगर आप इस सीरीज पर कंटिन्यू रखना चाहते हो तो सपोर्ट दिखाओ यार, सपोर्ट आएगा तो ही कंटिन्यू, अदरवाइज ऑफ कर देंगे। वैसे अपन ग्रैनी चैप्टर मतलब अंकल ग्रैनी वो कंटिन्यू रहने वाली है, तो जल्दी से ये बना लेता हूँ एक स्टिक, तो उसकी वीडियो कल आएगी अंकल ग्रैनी की, तो टेंशन मत करना, अंकल ग्रैनी ऑफ नहीं करने वाला, उसको पूरी कंप्लीट ही करना है। तो चलो बिना टाइम वेस्ट के जल्दी से ये बना लेते हैं एक पिकक्स। तो ये पिकक्स ही बनानी थी ना, हाँ ये स्टोन चाहिए थे, स्टोन ब्रिक
और ये स्टोन ब्रिक चल जाएगी ना, थोड़े बहुत और बना लेता हूँ स्टोन ब्रिक। तो मैंने स्टोन बनाए थे, मतलब कोबा स्टोन को मतलब फर्नेस में पकाया था, तो स्टोन बन जाते हैं, आपको पता होगा यार। तो अब जल्दी से ये बना लेता हूँ। इसके लिए एक ये पिकक्स और चाहिए होगी, एक पिकक्स बन के तैयार है और ये भी बन के तैयार है अपना। ये बन गया अपना मल्टी टोल, पता नहीं क्या नाम इसका, छोड़ो। तो फिलहाल ये बन के तैयार है, अब जल्दी से पोर्टल फार्म बना लेते हैं। तो फिलहाल मेरे को 12 चाहिए होंगे ना, क्योंकि एक पोर्टल खोलने के लिए 12 ही तो चाहिए होंगे। तो फिलहाल अपन 12 बना लेते हैं एक और ये भी ले लेते हैं। तो इसको बनाने के लिए चेजल स्टोन चाहिए होंगे यार, चेजल स्टोन बनाने पड़ेंगे। तो फिलहाल तो मैं इसको बना सकता हूँ, आई डोंट नो यार, चेजल ब्रिक चाहिए होगी, चेजल स्टोन ब्रिक यार। ये तो बनाना, देखते हैं एक बार छोड़ो, एक बार ये नॉर्मल वाला पोर्टल ओपन कर लूँ एक बार। तो इसकी ब्रिक बनाऊँ मैं पहले स्टोन की, इसको उठा यार, पहले स्टोन की ब्रिक बना लेता हूँ सबसे पहले, और फिर बनाते हैं इसके चेजल से डिज़ाइन कर लेता हूँ मैं। चेजल है ना मेरे पास, चेजल नहीं है तो दूसरी बना लेते हैं यार। एक स्टिक चाहिए होती है और एक आयरन का एक इंगट चाहिए होता है, ये बन गई अपनी चेजल। तो फिलहाल अपनी चेजल बन चुकी है, अब चेजल ये बना लेते हैं स्टोन, क्योंकि यार चेजल स्टोन ही तो चाहिए होती है इसमें भाई, इसके अंदर नहीं रखना। तो इसके अंदर ये रखो, और वो कौन से थे स्टोन है, आई डोंट नो वो कौन से स्टोन थे चेजल वाले, ये रहे तो यही थे ना यहाँ। तो ये ले लिया, अब देखते हैं बनती है नहीं बनते दूसरे वाले, क्योंकि मैं इसमें दो पोर्टल ओपन करने वाला हूँ। तो दोनों पोर्टल देखते हूँ मैं, दिखाऊंगा अभी, मतलब एक्सप्लोर तो अभी एक को ही करेंगे, क्योंकि दूसरे पोर्टल के लिए अभी अपन को फ्लाई उड़ने के लिए कुछ चाहिए होगा इधर, अदरवाइज अपन सर्वाइव नहीं कर पाएंगे यार। तो इसके लिए स्टोन स्लैब चाहिए होंगे, ब्रिक स्लैब, और ये ऐसे नहीं बनने वाला, तो ब्रिक ले लेते हैं और फिर अब ये शायद बन जाएगा ना। हाँ, दो ब्रिक से ये बन जाएगा। तो फिलहाल ऐसे ही ये बनाना पड़ेगा, तो मैं बना लेता हूँ जितने हो सके। तो मेरे को 12 चाहिए होंगे, तो यार अभी तो 8 ही बने हैं, तो और भी बनाने पड़ेंगे यार। तो फिलहाल मेरे पास और भी पड़ी है, इन चेजल को भी दोबारा से, इन चेजल ब्लॉक को दोबारा से मैं इसमें बदल लेता हूँ, ऐसे तो नहीं बनेगा। देखो इसको चेजल में से दोबारा से उसी ब्रिक में बदलना पड़ेगा, तो मैं इसे नॉर्मल ब्रिक में बदल लेता हूँ जल्दी से ये रहे। और अब बना लेता हूँ इसके स्लैब, और फिर स्लैब से बना लेते हैं वो दूसरे वाले स्टोन। तो फिलहाल तो एक बच गया है, तो कोई बात नहीं, इसको ऐसे रखो, ऐसे करो, और जितने हो सके उतने बना लो। ये बन गए हैं अपने 14, तो फिलहाल 14 बहुत है ना, फिर ज़्यादा नहीं चाहिए मेरे को। तो अब इसको ले लो यहाँ पर, और ये रखो यहाँ पर, और ये दूसरे पोर्टल के भी ब्लॉक बन के तैयार है, तो मुझे 12 ही बनाने हैं। तो चलो फिलहाल 12 ब्लॉक बन के तैयार है, पोर्टल ओपन कर लेते हैं। और ये भी टूट गया है यार, शायद पोर्टल को ओपन करना कैसे होगा दिखा देखते हैं। फिलहाल अभी पोर्टल ओपन करते हैं, फिर बाद में बताऊंगा आपको जो भी इसको ओपन करना है। तो वीडियो को पूरी देखना, इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पोर्टल बहुत खतरनाक होने वाले तो नहीं, बहुत अच्छे होने वाले, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी लूट मिलेगी अपन को। तो चलो फिलहाल पोर्टल ओपन कर लेते हैं, बाद में देखते हैं बेफालतू की चीज़ें। तो यहाँ पर दो गड्ढे कर लेते हैं, और उसमें लगा देते हैं ये ब्लॉक, और इसको लगा देते हैं। थोड़ी यार लाइटिंग ब्लॉक है यार, यार ये ब्लॉक मैं घर बनाने में भी यूज़ कर सकता हूँ यार, आई डोंट नो, देखेंगे। फिलहाल तो अभी इसको पोर्टल खोलना है, अभी पोर्टल खोल लेते हैं और यहाँ पे लगा देते हैं ब्लॉक, और फिर इसको ये फाइनल लास्ट वाला ब्लॉक। तो मैंने पूरे 12 ही बनाए थे, नहीं तो इसमें 14 लगते हैं शायद, तो कहा मैंने अब दूसरे भी देख लेता हूँ। इसको ओपन करने के लिए ये चाहिए होता है। तो फिलहाल तो दोनों पोर्टल ओपन हो जाएंगे, इतनी तो पावर होगी इसमें, तो बस ये टूट ना जाए। और ये ओपन हो गया, टूट गया यार, कोई बात नहीं, ये पोर्टल तो ओपन हो गए, दूसरा पोर्टल बनाने के लिए एक और बनाना पड़ेगा ऐसा मेरे को, इसलिए मैंने दो फिटिंग स्टील बनाई थी। तो जल्दी से ये दूसरा वाला भी बना लेते हैं, इसके लिए क्या चाहिए होगी, कि ये चाहिए होगी। तो फिलहाल ये बन जाएगा अपना एकदम ईजिली, तो ये बन के तैयार है। तो अब जल्दी से दूसरा पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं, एक साथ ही कर लेते हैं, फिर एक्सप्लोर तो अपन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, देखेंगे। तो चलो जल्दी से दूसरा पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं, दो गड्ढे कर लेते हैं यहाँ पे, और फिर दूसरा पोर्टल भी ओपन कर लेते हैं। तो इसके बराबर ही तो बनाना होगा, तो नॉर्मल जैसे अपन नेदर पोर्टल खोलते हैं वैसे इनको खोलना होता है, कोई ज़्यादा मिस्ट्री कुछ भी नहीं है इसको, बस कुछ नहीं, और फिर इसके बीच में ये मारना होता है, ये पोर्टल ओपन हो गए। तो एक तो है मतलब स्काई ब्लॉक जैसा, और एक में है एकदम सिंपल वर्ल्ड। तो पहले अपन ये दिखा देता हूँ आपको, इसमें नहीं जाने वाले बट आपको दिखा के लेके आ जाता हूँ। तो ये लोड होने में थोड़ा सा टाइम लेता है, क्योंकि ये बहुत बड़ा मोड है, तो इसलिए थोड़ा सा टाइम ले रहा है। और इसमें थोड़े से अपडेट भी आई हैं, बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें आई हैं इसमें अंदर।
तो मैं दिखा देता हूँ। इसमें देखो ऐसे आइलैंड होते हैं, स्काई ब्लॉक की तरह होता है, इसमें बहुत सारे आइलैंड हैं। तो इसमें आपको अलग अलग आइलैंड मिलेंगे और वहाँ पे बहुत सारे आपको लूट मिल जाएगी, बस यही होता है नॉर्मल सा। इसमें ऐसा तो कुछ नहीं और बॉस मॉब होगा शायद, तो वो भी देखेंगे। फिलहाल तो यहाँ से निकलते हैं और दूसरा वाला आइलैंड एक्सप्लोर करने वाले हैं, क्योंकि मैन वही रहने वाला है। तो फिलहाल यहाँ से निकलते हैं और दूसरे वाले आइलैंड मतलब पोर्टल में चलते हैं और उसको थोड़ा एक्सप्लोर करने वाले हैं इस वीडियो में। तो चलो दूसरे में अपने रियल वर्ल्ड में चलते हैं, फिर दूसरे वाले पोर्टल में चलते हैं, एक्सप्लोर करेंगे उसको आज, क्योंकि यार उसमें बहुत ज़्यादा खतरनाक चीज़ें लूट मिलेगी और थोड़ा सा लैग का इशू हो सकता है, क्योंकि यार मेरे पीछे में तीन मोड चल रहे हैं तो इसलिए थोड़ा सा लैग हो रहा है। तीन मोड पैक होने के कारण इसमें लैग का इशू आ रहा है। और भाई ये मेरे को डैमेज क्यों मिल रहा है यार, और यहाँ पर तो कोई मॉब नहीं दिख रहा है यार, फिर भी मुझे डैमेज मिल रहा है। आई डोंट नो यार क्यों डैमेज मिल रहा है इतना, पता नहीं यार क्यों इतना डैमेज मिल रहा है यार, डैमेज मिल रहा है यार मेरे को बहुत ज़्यादा। तो फूड का सोर्स फुल करते हैं और देखते हैं क्या डैमेज मिल रहा है यार, आई डोंट नो। छोड़ो फिलहाल इतना कुछ डैमेज नहीं है, थोड़ा बहुत डैमेज मिल रहा है। तो एक्सप्लोर करते हैं उस लास्ट वाले पोर्टल, देखो वो वाले, तो यही अपना मैन होने वाला है। इसके अंदर बहुत सारी खतरनाक चीज़ें तो मत बोले, एक विलेज होता है, विलेजों में बहुत सारी लूट मिल जाती है, बस यही है। और चार मिनट की अपन को पॉइजनस मिली है, तो ये तो कंटिन्यू रहने वाला है। और इस वाले पोर्टल में क्या होता है कि एकदम सिंपल वर्ल्ड होता है, कुछ भी नहीं होता है, ओनली विलेज होते हैं इसके अंदर। तो देखो एकदम फ्लैट वर्ल्ड होता है और ऐसा कुछ भी नहीं है यहाँ पे, ओनली यहाँ पे विलेज होते हैं, विलेज के अंदर बहुत सारी लूट मिल जाती है आपको, बस यही है। तो यहाँ पे आप माइनिंग कर सकते हो और माइनिंग के लिए ये पोर्टल काम आता है, क्योंकि यहाँ पे एकदम फ्लैट वर्ल्ड होता है और फ्लैट के अंदर आप कुछ भी लूट कर सकते हो। तो यहाँ पे मैं अभी लोकेशन डाल देता हूँ, यार मेरा पोर्टल खो गया तो फिर मैं वापस नहीं जा पाऊँगा यहाँ से। और यहाँ पे आपको वे स्टोन मिल जाएंगे बहुत सारे अपनी लोकेशन टेलीपोर्ट होने के लिए एक जगह से दूसरी जगह, तो वो वे स्टोन भी मैं लेके जाऊँगा यहाँ से। और यहाँ पे मैं अपनी लोकेशन सेव कर देता हूँ और फिर चलते हैं आसपास कोई ऐसे ढूंढते हैं। और ये फ्लावर ले लेना, ब्लू फ्लावर, क्योंकि इनसे मतलब क्या बोलते हैं, इनसे बहुत सारी डाई बनती हैं और डाई से फिर अपन ब्लू प्रिंट बना सकते हैं, तो ब्लू प्रिंट बहुत काम आने वाले हैं, नेक्स्ट वीडियो में आपको बताऊँगा फिलहाल तो अभी। और मेरे अंदर से थोड़ी सी फायर निकल रही है यार इस पॉइजनस के कारण, और मुंह तो एकदम ख़राब हो चुका है। कोई बात नहीं, अब आसपास कुछ ढूंढते हैं अपना कोई विलेज और फिर देखते हैं। और आपको फूड का सोर्स इससे पूरा होने वाला है, क्योंकि ये आपको कहीं भी मिल जाएंगे, नॉर्मल आपको वर्ल्ड में मिल जाएंगे, यहाँ पर मिल जाएंगे, इससे आपके फूड का सोर्स पूरा होने वाला है। तो फिलहाल मैं आपको 2 मिनट के अंदर मिलता हूँ विलेज को ढूंढ कर, तो मिलता हूँ आपको 2 मिनट में। तो फाइनली मुझे विलेज मिल चुका है, बहुत दूर जाकर मिला है, लिटरली बहुत दूर आना पड़ा है मुझे। तो फिलहाल आपको ये आस पास ढूंढ लेना, आपकी चंक थोड़ा बढ़ा लेना, आपको इजीली मिल जाएंगे। तो अब मेरे को विलेज मिल चुका है, तो यहाँ पे आपको विलेज से आप ट्रेड भी कर सकते हो और आप यहाँ से बहुत सारी लूट भी लेके जा सकते हो, ऐसा तो कुछ नहीं है। तो आपको एमरल्ड चाहिए हो तो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो इजीली। और यहाँ पे भी आपको बहुत सारी चेस्टें मिल जाएंगी, उन चेस्टों के अंदर आपको बहुत सारी लूट मिलेगी। देखो ऐसे चेस्टें मिल जाएंगी, इनके अंदर आपको बहुत ही सारी ब्लैक लूट्स, आई डोंट नो क्या क्या चीज़ें मिल रही है, मेरे को खुद को यूज़ नहीं पता इसका। तो फिलहाल इसको एक्सप्लोर करते हैं और देखते हैं कुछ अच्छा मिल ही जाए। और यहाँ पे एक होता है कि एक पेट शॉप होती है, उस पेट शॉप के अंदर आपको ख़तरनाक चीज़ें मिलने वाली है। और यहाँ पे आपको प्लास्टिक मिल जाएगा, प्लास्टिक से बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली है। तो फिलहाल तो अभी ये ले लेते हैं जितना हो सके प्लास्टिक, और फिर मैं आपको मेन चीज़ ले सकता हूँ जहाँ पे मेरे को मतलब पेट शॉप में आपको सबसे ख़तरनाक वाली चीज़ें मिलती हैं। तो फिलहाल मैं इसको लूट कर अभी आपको पेट शॉप में मिलता हूँ 2 मिनट के अंदर अंदर। तो फाइनली मैंने पूरे विलेज को लूट लिया है, वैसे पेट शॉप बची हुई है और मेरी इन्वेंट्री एकदम फुल हो चुकी है, बिल्कुल भी स्पेस नहीं है इसके अंदर। तो इसके अंदर आपको चीज़ें अच्छी मिलेंगी, बट आप एक बैकपैक बना के ला सको, आपके पास इतना सोर्स हो तो आप एक बैकपैक बना के ही लाना, अदरवाइज़ आप यार यहाँ इससे सामान नहीं लेके जा पाओगे। मैं ऑफलाइन लेके जाऊँगा अभी, तो फिलहाल जितना हो सके मैं लेके जाऊँगा, फिर ऑफलाइन लेके जाएंगे यार यहाँ से। और मैंने यहाँ से वेस्ट स्टोन भी ले लिया, आपको विलेज में वेस्ट स्टोन मिल जाएगा, तो वेस्ट स्टोन आप लेके जाना। तो फिलहाल ये मैं फिश भी ले लेता हूँ, क्योंकि अपन पेट बनाएंगे ना, तो उन पेट को फिश चाहिए होती, तो फिश उन्हीं से। देखो वेस्ट स्टोन मेरी इन्वेंट्री में है, और ये भी चाहिए होता है, इनसे भी थोड़ी बहुत चीज़ें बनती हैं यार, इसलिए मैं सारी चीज़ें लेना चाहता हूँ। और मेरी इन्वेंट्री में जगह भी नहीं है यार, क्या चीज़ें बाहर रखूँ। तो फिलहाल मैंने एक यहाँ पे भी चेस्ट देखी थी वो रही, तो इन चेस्टों के अंदर आपको बहुत सारी खतरनाक चीज़ें, अभी तो मैन लूट बची हुई है वो भी दिखाऊंगा अभी आपको मैं। तो ये ब्लू डाई ये भी ले लेते हैं, जो भी मिले ना सब कुछ लेके जाना है, क्योंकि यानी इन सारी चीज़ों का यूज़ पड़ता है, क्योंकि काम आती हैं सारी चीज़ें, तो इसलिए इनको सारी को लेके ही जाना। तो फिलहाल मैं सारी चीज़ें ले लेता हूँ, बट मेरी इन्वेंट्री में बिल्कुल भी जगह नहीं है।
यार क्या चीज़ें बाहर रखूँ यार, सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है। तो फिलहाल ये ले लिया, तो ऊपर की तरफ जाना है अपन को। ऊपर की तरफ मेन लूट है, मतलब सबसे ज़्यादा लूट तो आपको ऊपर ही मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं इन प्लास्टिक को लगा कर ऊपर जाने वाला हूँ, तो ऊपर चलते हैं जल्दी से। और यहाँ पे देखो, ये आपको हैवी मिल जाएगा, प्लास्टिक मिल जाएगा, तो लगभग आपको भर भर की लूट मिलने वाली है। तो फिलहाल मैं ये सारी चीज़ें लेके जाऊँगा बट ऑफलाइन। देखो इन चेस्टों के अंदर देखो कितनी सारी लूट है, और ये देखो यहाँ पे आपको मतलब भर भर की चीज़ें मिलेगी। ऐसा नहीं है कि आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला, भर भर की चीज़ मिलने वाली है। तो मैं इनको तो अभी ऑफलाइन लेके जा रहा हूँ, तो वीडियो को इतनी रखते हैं। तो अच्छी लगे लाइक करना, कमेंट करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ बेल नोटिफिकेशन ऑन करना, और प्लीज़ वीडियो को सपोर्ट करना अगर इस सीरीज़ को कंटिन्यू करना है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक बाय बाय टाटा सी यू बाय बाय। लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूलना, बाथरूम जाने नहीं भूलते ना, ये भी मत भूलना। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो काला कौवा काटेगा। बाय।